नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल बार डायग्राम्स। द मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर यूज टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स। जब हम सिंपल बार की बात करते हैं तो हम एक सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या है, मल्टीपल बार नाम से ही क्लियर है। जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की बात करते हैं किसी एक डायग्राम में तो हम उसे मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लोकेशन और इन अदर वर्ड्स, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट मोर देन वन टाइप ऑफ डाटा एट अ टाइम। एक से ज़्यादा डाटा टाइप को बताता है, ठीक है। दिस बार्स आर शेडेड और कलर्ड डिफरेंटली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल्स को अलग अलग दिखाने के लिए हम अलग अलग शेड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय मल्टीपल बार डायग्राम्स। ईयर्स दिए हुए हैं 15, 16, 17, 18 में राइस की प्रोडक्शन भी दी हुई है टन्स में और वीट की प्रोडक्शन भी दी हुई है टन्स में। मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग प्रोडक्शन। अब 2015 में हमें दो वेरिएबल राइस और वीट 15 और 12 के बारे में डायग्राम बनाना है तो हम डबल बार का यूज़ कर रहे हैं। 2015 जो ये शेडेड लाइनिंग वाला पोर्शन है ये हमारा वीट को रिप्रेजेंट करता है और ये 2015 में ही कितना था हमारा 15, ठीक है। और वीट की प्रोडक्शन, राइस की प्रोडक्शन थी 15 और वीट की प्रोडक्शन थी 12, ठीक है। ऐसे ही 2016, 17 और 18, क्लियर। इजीली आप ये डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय मल्टीपल बार डायग्राम। 2017 और 18 टू ईयर्स लिए हुए हैं, हमारे पास तीन फर्म है, फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी। यानी 2017 के लिए मुझे तीन बार्स चाहिए होंगी। एक फर्म ए को रिप्रेजेंट करेगी, एक फर्म बी को रिप्रेजेंट करेगी और एक फर्म सी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। हमने वाई एक्सिस पर इनकम ली है और एक्स एक्सिस पर ईयर्स लिए हैं और 2017 के लिए भी तीन बार्स हैं, 2018 पर भी तीन बार्स हैं। और यहाँ क्लियरली इंडेक्स मुझे बता रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये फर्म ए के लिए हैं, जो डॉटेड है वो फर्म बी के लिए है और जो ये स्लैंट लाइंस हैं ये फर्म सी के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, दीज आर द डायग्राम विच रिप्रेजेंट साइमल्टेनियसली द टोटल वैल्यू। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में सबसे मेन ये है कि हम टोटल वैल्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड पार्ट्स, और पार्ट्स भी, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के पार्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगा जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। डाटा देयर इन अ सेट ऑफ डाटा टू इंडिकेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बार्स देर आर शेडेड डिफरेंटली। डिफरेंट पार्ट्स को दिखाने के लिए डिफरेंट शेड्स का यूज़ करेंगे विद डिफरेंट कलर्स। एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। 2017 में वीट, कॉटन और राइस की प्रोडक्शन बताई गई है और टोटल प्रोडक्शन भी बताई हुई है 22, ठीक है। तो सबसे आप 2017 में जो बार बनाएंगे उसकी लेंथ 22 तक ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, 22 टोटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें से आप 10 पर आप एक कट लगाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा वीट को। फिर आप 8 यानी 10 में 8 जोड़ लीजिए, 18 पर एक कट लगाइए, ठीक है। तो जो ये 8 वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉटन को, और 18 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ, 4 22, दैट इज़ ये 4 वाला पार्ट एक 18 पर कट लग जाएगा, ये 4 जो ब्लैंक है ये राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 2018 के लिए आप 27 तक बार लेंथ तक बार बना लीजिए, उसके बाद एक कट 13 पर लगेगा और दूसरा कट 13 + 9 यानी 22 पर लगेगा, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो ये ऊपर वाला पार्ट है राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉटन को और ये वीट को, ठीक है। उसके बाद है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर द डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसमें हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं डाटा को। इन दिस द टोटल वैल्यू द लेंथ ऑफ द बार इज टेकन टू बी द इक्वल ऑफ 100। टोटल हमेशा 100 के ही इक्वल होगा, परसेंटेज में टोटल हमारा हमेशा 100 पर होता है। देन ईच पार्ट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ 100। दीज पार्ट्स में भी शेडेड डिफरेंटली, उस 100 में से किसकी कितनी परसेंट है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाई परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम।
परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम हमें यूज़ करना है। देखिए 15-16 के लिए स्टैटिक्स का में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25,000 में ये चीज, पॉल साइंस में है 40 एंड इकोनॉमिक्स में है 35,000, ठीक है। ऐसे ही 16-17 ईयर में भी दिया हुआ है। वी शेल फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द परसेंटेज टेबल, आपको परसेंटेज टेबल ज़रूर बनानी आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज टेबल क्या है, देखिए बच्चे नंबर ऑफ जो हमें डाटा दिया हुआ है, पहले तो हमने वो लिखा यहाँ पर, तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ मेरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको दिए हों, स्टैटिस्टिक, ठीक है, दूसरा है पॉल साइंस और थर्ड है इकोनॉमिक्स, थर्ड है इकोनॉमिक्स, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, 40 एंड 35, ठीक है। यहाँ पर आप परसेंटेज बनाएंगे, परसेंटेज इन सबका टोटल कर लीजिए, इन सबका टोटल 100 आ रहा है, ठीक है, इन तीनों का टोटल कर लीजिए कितना आ गया 100। नेक्स्ट कॉलम है वो हमारा परसेंटेज का बनेगा, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 25 बाई टोटल जितना भी है हमारा एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 25 ही आ जाएगा। ऐसे ही 40 बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 40 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 35 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ टोटल होता है, टोटल हमारा 100 ही है, तो ये 35 ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो बनेगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज का, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे बनाएंगे बच्चे, पहले ये 25 है, आप इस 25 में ये ऐड कर देंगे तो ये 65 हो जाएगा, 65 में ये ऐड कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। समझ में आया क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे बनाएंगे। ऐसे ही अब हम 2016-17 का जो हमें गिवन डाटा है वो लिखा, परसेंटेज ये गिवन डाटा का टोटल यहाँ 200 है, तो जब मैं परसेंटेज निकालूंगी 60/200 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगी तो ये 30 आ जाएगा। जब नेक्स्ट करेंगे 84/200 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगी तो ये 42 आ जाएगा, और 56/200 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगी तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव में सबसे पहले आप 30 लिखेंगे, फिर 30 में ये वाली क्वांटिटी ऐड कर देंगे 72, और 72 में ये वाली क्वांटिटी ऐड कर देंगे ये 100, ठीक है। परसेंटेज में ये पूरा लास्ट में 100 को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब हम डाटा बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आप जो दोनों बार्स हैं 100-100 तक ले लेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव का ही यूज़ करेंगे बनाने में, एक कट 25 पर लगेगा, नेक्स्ट कट 65 पर लगेगा, क्योंकि 25 से मुझे 40 नेक्स्ट 40 काउंट करने हैं, तो क्यूमुलेटिव से ये इजीली आप कट लगा सकते हैं, एक 25 पर, नेक्स्ट कट 60 पर, ये से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर एक कट 30 पर लगेगा, नेक्स्ट कट 72 पर लगेगा, जो इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डीओ डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम्स, ठीक है। डीओ डायरेक्शनल, दीज डायग्राम्स आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दो डिफरेंट पक्ष दिखा रहा है किसी भी वेरिएबल के। द बार्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, इसमें क्या इसकी साइलेंट फीचर है, इसके पास बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव वैल्यू है वो बार से ऊपर दिखाते हैं, और नेगेटिव वैल्यू वो नीचे की तरफ दिखाते हैं। अगर आप वर्टिकल बार यूज़ कर रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल बार यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के इधर हमारा पॉजिटिव और इधर नेगेटिव रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ डीओ डायरेक्शनल डायग्राम, 2014 में 90 है, 2015 में 100 है, 16 में -70 है, तो डायग्राम बस 14 में आप ऊपर 90 लेंगे, 15 में भी ऊपर है, लेकिन 60 में नेगेटिव है, तो वो नीचे चला जाएगा, उसका बार बनेगा बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय डीओ डायरेक्शनल डायग्राम्स, ठीक है, प्रोडक्शन इन 2017 एंड प्रोडक्शन इन 2018 और वेरिएंस, हमें सिर्फ वेरिएंस का डायग्राम बनाना है यहाँ पर, कि 17 में 45 था राइस और 18 में 75 हो गया, तो कितना पॉजिटिव कितना बढ़ा है, बढ़ गया है ना ये 30, ऐसे ही ये 40 था, ये 60 हो गया, ये तो +20 है, ये 65-80 हो गया तो ये +15 है, ऐसे ही 90-100 हो गया तो ये +10 है, लेकिन अगला 60 था 2017 में प्रोडक्शन, लेकिन 2018 में ऑयल का प्रोडक्शन 50 हो गया तो -10 है, ठीक है। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल बार्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव लिए, सॉरी राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव लिए और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव लिए, जो वाई एक्सिस है, राइस का प्रोडक्शन राइस है, वेरियंस कितना है 30,
तो राइस में हमने प्लस 30 कर दिया। ठीक है, आप इसे नीचे से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये वाला पार्ट नीचे और ये नेगेटिव वाले ऊपर भी ले सकते हैं। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव बना लेते हैं सारे। 30 वीट का 20 है तो वीट का 20, ठीक है, ग्राम का 10 है तो 10 15 है और अरहर का 10 है। ठीक है, फिर ये नेगेटिव है तो ये इधर बन गए हैं, सेम आपने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग बार डायग्राम। दीज डायग्राम्स आर लाइक ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम्स। इन दीज टाइप्स ऑफ डायग्राम द लेंथ ऑफ द बार इज टेकन टू बी 100। जो लेंथ है वो पूरी 100 को रिप्रेजेंट करेगी। ऑन वन साइड ऑफ द बेस लाइन द परसेंट, बेस लाइन होते जो आपकी मेन लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, द परसेंटेज ऑफ वन पार्ट इज शोन एंड द अदर साइड द परसेंटेज ऑफ अदर पार्ट इज शोन। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय स्लाइडिंग बार डायग्राम। देखिए पास परसेंटेज और फेयर परसेंटेज, 2015 को हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। परसेंटेज हमेशा टोटल 100 में होती है। अब पास परसेंटेज 60 है तो जो फेल परसेंटेज है वो यहाँ, इधर हमने नेगेटिव नहीं लिए स्लाइडिंग में, जस्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग पार्ट्स बता रहा है एक ही ईयर में एक ही वेरिएबल के, कि पास 60 है तो फेल कितने हुए 40। ठीक है, अगर स्लाइडिंग बार का यूज़ करना हो ये मुझे दे दे तो फेल की तो हम खुद भी बना सकते हैं, ये 80 है तो ये कितना हुआ 20। तो ये हमारा स्लाइडिंग बार डायग्राम है।